हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मैथ्स। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थोड़ी कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज अ कॉन्वर्जेशन? कॉन्वर्जेशन मींस जब दो लोग आपस में कुछ बात करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर ये जो कॉन्वर्जेशन पार्ट नंबर वन है, इसमें एक लड़की है नेहा और एक ये लड़का है प्रताप। नेहा और प्रताप फ्रेंड्स होते हैं और प्रताप जो है नेहा के घर सडनली चला जाता है। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होती है, हमें क्या न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे, न्यू टर्म्स जानने को मिलेंगे जो कि नेटिव स्पीकर्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है और हमें उन्हें सीखना है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रॉ द क्लिप। सबसे पहले नेहा बोलती है प्रताप को देखते ही, जैसे प्रताप उसके घर में एंटर करता है, कि प्रताप व्हाट अ नाइस सरप्राइज, व्हाट ब्रिंग्स यू आउट हियर। प्रताप बोलता है, ओह आई हैड सम टाइम ऑन माय हैंड्स एंड थॉट आई वुड टेक अ लिटिल ड्राइव इन द कंट्री एंड आई वांटेड यू टू मीट माय फ्रेंड सोहन। नेहा बोलती है, हाउ डू यू डू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। It's a pleasure to meet you too. Then Neha bolti hai, do come in, both of you, can you stay for lunch? Pratap bolta hai, I'm afraid not. We want to see some other people this morning. Neha bolti hai, but you do have time for coffee, don't you? Pratap bolta hai, that would be nice. Neha bolti hai, please sit down while I go fix the coffee. I won't be a minute. अब फ्रेंड्स ये जो कॉन्वर्जेशन हुई बहुत शॉर्ट कॉन्वर्जेशन थी। हम लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं हमने मैंने उन वर्ड्स को कवर किया है, उन टर्म्स को कवर किया, हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे डीपली ताकि हम भी ये अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज कर सके। सबसे पहले हमने देखा कि नेहा ने जैसे ही प्रताप को देखा उसने बोला व्हाट अ नाइस सरप्राइज। तो जैसे ही आप कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कोई आपके घर में एकदम आ जाता है तो आप यूज कर सकते हैं व्हाट अ नाइस सरप्राइज या फिर व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। नेक्स्ट उसने पूछा कि आप किस वजह से यहाँ आए हैं, तो उसको इंग्लिश में उसने क्या बोला, व्हाट ब्रिंग्स यू आउट हियर। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Bring out is a phrasal verb जिसका कई सारे मीनिंग होते हैं। जिसके सबसे पहला मीनिंग है किसी चीज को या किसी इंसान को बाहर लाना। जैसे यहाँ पे नेहा ने पूछा था ना कि आप किस वजह से बाहर आए, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द साउंड ऑफ द फायर अलार्म ब्रॉट एवरीवन आउट ऑफ द फैक्ट्री। तो मतलब फैक्ट्री से बाहर लाने का क्या वजह थी, जो अलार्म बजा फायर अलार्म उसकी वजह से सब लोग बाहर आ। तो जब आपको बोलना है कि बाहर आ गई है कोई चीज या कोई इंसान तो आप ब्रिंग आउट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूसेज होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, हम वो पब्लिश कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो हम यूज कर सकते हैं ब्रिंग आउट। ही इंटेंड्स टू ब्रिंग आउट अ न्यू मंथली मैगजीन। मतलब वो अब क्या चाहता है कि वो एक नई मंथली मैगजीन बाहर लेके आना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है इस न्यू प्रोडक्ट को। थर्ड एंड लास्ट टू मेक समवन और समथिंग शो अ क्वालिटी दैट दे हैव। जैसे हम बोलते हैं ना ब्रिंग आउट योर बेस्ट, तो इसका क्या मतलब है, जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको बाहर लेकर आओ। इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट योर टैलेंट्स टू द फुल यू नीड अ प्रोफेशन मोर सूटेड टू यू। आप को अगर अपने सारे टैलेंट्स फुली बाहर लेकर आने हैं, लोगों को दिखाने हैं अपने टैलेंट्स, तो आप ऐसे प्रोफेशन में जाइए जो आपको सूट करता है, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है पूरा। तो ये थे ब्रिंग आउट। नेक्स्ट देखते हैं प्रताप ने क्या बोला था, ओ आई हैड सम टाइम ऑन माई हैंड्स। टाइम ऑन माई हैंड्स का क्या मतलब होता है, और उसने ये भी बोला था साथ साथ कि आई वॉन्टेड यू टू मीट माई फ्रेंड सोहन। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स का क्या मतलब है। टाइम ऑन माई हैंड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम या फिर फ्री टाइम। तो
तो यहाँ पर उसने बोला था जब आई हैड सम टाइम ऑन माय हैंड्स, मतलब उसके पास कुछ फ्री टाइम था. एग्जाम्पल, नाउ दैट शी वॉज रिटायर्ड मैरी फाउंड दैट शी हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हर हैंड्स. जब वो रिटायर हो चुकी थी तो उसके पास कितना बहुत सारा फ्री टाइम था. तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो आप यूज कर सकते हैं आई हैव टाइम ऑन माई हैंड्स. एक और इसको वर्ड होता है इसके लिए लेजर टाइम. लेजर टाइम मतलब होता है फ्री टाइम. जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम. अब फ्री टाइम की जगह आप लेजर वर्ड यूज करिए, ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में. हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि उसने बोला आई वॉन्टेड यू टू मीट माई फ्रेंड. अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में यू नहीं है, आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड. अगर मैं बोलूँ आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड, इसका मतलब है मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता था या चाहती थी. बट अगर मैं बोलूँ आई वॉन्टेड यू टू मीट माई फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या है, मैं अपने दोस्त से तुम्हें मिलवाना चाहता था. दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना हमें. जब हम दूसरे इंसान से कुछ करवाना चाहते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ. तो यहाँ पर आप उस इंसान से कुछ करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे. सब्जेक्ट में आप आ गए आई, वॉन्ट आया, देन ऑब्जेक्ट, देन टू और फिर वर्ब. आई वॉन्ट हर टू अपोलोजाइज फर्स्ट, मैं चाहता हूँ कि वो पहले माफी मांगे. तो आप उस इंसान से कुछ काम करवाना चाहते हो तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं. शी वॉन्ट्स मी टू कुक फूड फॉर हर, वो मुझसे खाना बनवाना चाहती है. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, आई विल श्योरली क्लियर दैट डाउट. हाउ डू यू डू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम बोलते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. बट कभी आपने सोचा इसके अलावा क्या बोल सकते हैं. जैसे हम आप किसी से मिले हो तो आपको बोलना है कि नाइस टू मीट यू, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं प्लीज टू मीट यू बोल सकते हैं, इट वॉज लवली मीटिंग यू बोल सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम ये भी बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. तो ये सारे सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं ताकि हर बार हम वही कॉमन घिसा पिटा सेंटेंस ना यूज करके ये चीजें यूज करें. इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, जैसे आप फेसबुक पे किसी से बात कर रहे हो या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो आप लास्ट में ही बोल सकते हैं बाय करते वक्त इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमेगा. नेक्स्ट हमने देखा कि नेहा बोलती है डू कम इन बोथ ऑफ यू. अब यहाँ पर उसने कम के पहले डू का क्यों यूज किया है वो हम देखते हैं. देखिए डू हमें पता है एज अ वर्ब यूज होती है, एज अ मेन वर्ब यूज होती है, मतलब जैसे डू योर होमवर्क कि अपना काम करो, डू मतलब करना होता है. हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है जब आई डोंट लाइक डॉग्स, आई डू लाइक डॉग्स, जब ऐसे होता है. ये हमें बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन जो यहाँ पर यूज किया है डू और फिर एक और वर्ब, उसको बोलते हैं इम्फेटिक डू. इम्फेटिक डू मतलब जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं किसी चीज पे, जोर डालना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हो कि मैं पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, तो आप बोलोगे आई स्टडी हार्ड. लेकिन जब आप बहुत ज्यादा जोर डालना चाहते हो कि यार मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो आप बोलोगे आई डू स्टडी हार्ड. अब यहाँ पर जैसे नेहा ने बोला था डू कम इन, तो यहाँ पर स्पीकर क्या चाहता है कि हियरर को, मतलब बैडली चाहता है कि वो आए अंदर. जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं डू कम ऑन टाइम, तो यहाँ पर डू का क्या मतलब है, वहां पर जोर डाला जा रहा है कि टाइम पर पक्का आना. तो जब भी आपको अपनी बात पर जोर डालना है तो आप डू वर्ड के पहले आप डू का वर्ड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि प्रताप बोलता है आई एम अफ्रेड नॉट, वी वॉन्ट टू सी सम अदर पीपल दिस मॉर्निंग. अब यहाँ पर आई एम अफ्रेड नॉट का क्या मतलब है, क्या वो डरने की बात कर रहे हैं कुछ. नहीं, आई एम अफ्रेड एक फ्रेज है जो कि
पोलाइटली किसी को बताने के लिए यूज होता है कि जिस जैसे ऐसी सिचुएशन बताने के लिए जिससे कि वो सामने वाला सैड हो जाए या एंग्री हो जाता है। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि मुझे दुख है आप गलत एड्रेस पर आए हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम अफ्रेड यू हैव कम टू द रॉन्ग एड्रेस। आई एम अफ्रेड का मतलब है मुझे दुख है। आई एम अफ्रेड दैट आई कांट एक्सेप्ट दिस जॉब। मुझे दुख है मैं ये जॉब स्वीकार नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड टू से दैट आई फाउंड द बुक वेरी डल। अब यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि वो जो बुक है आपको वो अच्छी नहीं लगी, तो सामने वाला इससे सैड हो सकता है या गुस्से में आ सकता है। तो उस चीज को पोलाइटली बताने के लिए, विनम्रता के साथ बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आई एम अफ्रेड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप प्लीज यूज करिए और देखिए क्या इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। नेक्स्ट वो बोलती है बट यू डू हैव टाइम फॉर कॉफी, डोंट यू? अब यहाँ पर इसने भी डू का यूज करा है हैव से पहले। ये भी हमारा क्या है? इम्फेटिक डू है। यू डू हैव टाइम फॉर कॉफी का मतलब है कॉफी के लिए तो टाइम होगा। मतलब फिर से वो जोर डाल रही है कि कॉफी के लिए तो टाइम होगा ना। इम्फेटिक डू, हैव यू एनी कॉफी? कोई गया है पूछने की क्या आपके पास कॉफी है, तो हम क्या बोलेंगे? नो बट वी डू हैव हॉट चॉकलेट। लेकिन हमारे पास हॉट चॉकलेट है, तो हमें हॉट चॉकलेट बताना है कि उस पर जोर डालना है कि हॉट चॉकलेट है हमारे पास, तो हमने वहां पर इसलिए डू का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई बाय स्टैम्प्स हियर? तो सामने वाला बोलता है वेल वी डू सेल देम, मतलब हम बेचते हैं इसे, बट वी डोंट हैव एनी एट द मोमेंट, अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बेचते जरूर है इसको। तो इस चीज को जोर डालने के लिए डू का यूज किया है। और हमने देखा कि उसने लास्ट में बोला था डोंट यू, तो डोंट यू का क्या मतलब है? इट्स अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम किसी अलग पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, बट हम शॉर्ट में इसको इंट्रो समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे टीचर्स बोलती हैं कि आपको समझ आया, या फिर कुछ भी बोलते हैं तो इजंट इट, टीचर्स बहुत बोलती है ना, तो इजंट इट का क्या मतलब है? वो एक क्वेश्चन टैग है कि क्या आपको समझ आया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यू गो शॉपिंग एवरी वीकेंड डोंट यू? आप हर हफ्ते हर वीकेंड पर शॉपिंग जाते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं डोंट यू? क्या नहीं जाते आप? जब हमें ऐसे बोलना होता है हिंदी में तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं क्वेश्चन टैग। इट इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस इजंट इट, ये एक ब्यूटिफुल ड्रेस है, क्या नहीं है ये? तो जब ऐसी सिचुएशन आए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। ये बोलता है ठीक है ये नाइस होगा। फिर नेहा बोलती है प्लीज सिट डाउन व्हाइल आई गो फिक्स द कॉफी, आई वांट बी अ मिनट। फिक्स द कॉफी मतलब होता है कॉफी बनाना, लेकिन फिक्स कॉफी कैजुअली हम यूज करते हैं और मेक कॉफी हम स्टैंडर्ड वे में यूज करते हैं। तो जब भी आपको जैसे कॉफी बनाना हो या बनवानी हो तो आप फिक्स कॉफी का यूज कीजिए। गो एंड फिक्स द कॉफी फॉर मी। आई वांट बी अ मिनट का मतलब होता है मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, आई वांट टेक लॉन्ग, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट्स फनी दैट सम वुमेन से इट वॉन्ट बी अ मिनट फॉर मी टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। बहुत हंसी आती है जब कुछ लेडीज कहती है कि उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा पार्टी के लिए रेडी होने के लिए, क्योंकि हमेशा लगता ही है बहुत ज्यादा टाइम। तो इट वॉन्ट बी अ मिनट का मतलब है ज्यादा टाइम नहीं लगना। सो फ्रेंड्स, ये थी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पार्ट वन। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।